बीदर के विधायक रहीम खान ने आज गुरुवार 2 मार्च को बीदर के चिद्री में स्थित बसवेश्वर मंदिर का दौरा किया और बसवा टेंपल की बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। पिछले दिनों रहीम खान ने इसके लिए 10 लाख का बजट दिया था। इस अवसर पर पूजा आदि की गई। इस उद्घाटन के अवसर पर मंदिर की व्यवस्था कमेटी के लोगों से बात की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह आश्वासन दिया कि इस निर्माण कार्य के लिए अगर 10 लाख से भी अधिक बजट लगता है तो वह भी देंगे। इस अवसर पर वार्ड नंबर 26 के काउंसलर संगप्पा चिद्री ने भी मीडिया से बात करते हुए विधायक रहीम खान का धन्यवाद व्यक्त किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब। अभी मैं सुबह बुत्ती बसवन्ना देवालय पे बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया हूं और इससे पहले यहां पे ट्रस्ट के सभी अध्यक्ष पूरे मेंबर मिलके रोड बनाने के लिए बोले थे। पिछली बार मैं रोड भी बनाया हूं, तो अभी एक 10 लाख रुपए का यहां पे कंपाउंड वॉल जरूरी था और अगर अभी 10 लाख लगेंगे या 15 लाख लगेंगे वो बाउंड्री वॉल पूरा कम्प्लीट करना है और ज़रूर पूरा कम्प्लीट कराएंगे। तो ये मैं एक स्पेशल फंड लाया था जो मैं मिनिस्टर था, स्पोर्ट मिनिस्टर रहोत बीदर के लिए एसएफसी में कैबिनेट में 5 करोड़ रुपए लिया था। मैं वतियंद श्री रहीम खान एमएलए ಅವರಿಗೆ स्वागत कोरता श्री बुत्ती बसवण देवालय के 10 लक्ष रूपाय कंपाउंड वाल कड़े सेंक्शन तुम धन्यवाद गुड़ी ट्रस्ट वतू नत अदे रीति बजेटन और कलस स्टार्ट अड़गल पूजे बंद तुम धन्यवाद हेतनी मत 10 लक्ष रूपायदस पूरा आगल इन 10 लक्ष रूपाय को अंत एम एल एवे नान रिक्वेस्ट मीन नम कमिटी वत धन्यवाद रमेश माशेटी चिद्री बुत्ती बसवण ट्रस्ट अध्यक्ष। हम बुत्ती बसवण में कंपाउंड वॉल के ओपनिंग में है साहब के साथ, एम एल ए साहब के साथ हम लोग 10 लाख रुपये कंपाउंड वॉल को दिए साहब। और एस सी समुदाय एस सी कंपाउंड वाल को भी 10 लाख दिए ग्रेवर को, एस टी कंपाउंड वाल को भी दिया 8 लाख को, सभी तरफ देते आ रहे। अभी थोड़ा कुछ देना है, अभी देता हूँ बोल रहे बस। मैं धन्यवाद। मैं संगप्पा चौधरी काउंसलर 23 वार्ड नंबर।